हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, सेफ होंगे। तो गाइज मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और गाइज आज है वेडनेसडे और 21 फरवरी है। तो गाइज मैंने सोचा आज मैं ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि आज मैं फर्स्ट टाइम करवाने वाली हूँ अपने बालों की स्मूथनिंग। क्योंकि गाइज क्या है ना कि हमारे जो पापा जी हैं गाँव वाले, उन्होंने लिए बाइक, नई बाइक ली है। तो गाइज मेरे और रूबी के पापा जी ने पैसे मतलब कि पे फोन किए थे यहीं पे, हम गए नहीं थे वहाँ पे, और ना पापा जी आए यहाँ पे जैसे कि पुजवाने के लिए बाइक। लेकिन फिर भी उन्होंने जो है पैसे हमारे यहीं पे डाल दिए हैं कि कोई नहीं, जब तुम यहाँ पे आओगे जब पूज लेंगे बाद में। लेकिन अभी मैं पैसे जो है तुम्हारे डाल रहा हूँ, सूटों के लिए डाले थे गाइज 3,000 दोनों बहनों के, मतलब 6,000 दोनों बहनों के पैसे डाले थे। तो मैंने सोचा, क्योंकि गाइज मैं ना स्कर्ट के सूट के लिए बोल रही थी, तो फिर पापा जी ने तो उसके लिए डाले थे कि आप जो है मतलब हम बोल रहे थे मम्मी से कि मम्मी स्कर्ट के सूट बनवा देना, तो फिर पापा जी ने बोला कि आप दोनों जो है स्कर्ट के सूट बनवा लेना। लेकिन गाइज अभी मैं सोच रही हूँ कि कोई फंक्शन भी नहीं है, और सूट तो मेरे पास बहुत रखे हैं वैसे सिलवाने के लिए। तो गाइज क्योंकि गांव जो है हम जाते ही रहते हैं, तो अभी तो गाइज बहुत सूट रखे हैं सिलवाने के लिए। तो मैंने सोचा कोई फंक्शन नहीं है, क्यों ना हम जो है दोनों बहनें स्मूथ बाल स्मूथनिंग करवा लेते हैं उन पैसों में। और सूट तो गाइज रखे हैं, और यहाँ वाली मम्मी ने जो है जागरण में एक एक सूट जो हमने जागरण में पहने थे वो येलो कलर के, वो भी अभी बने हैं। तो गाइज सूट तो काफ़ी हो रहे हैं अभी तो मैंने जो है सोचा कि क्यों ना मैं बाद स्मूथनिंग बाल जो है स्मूथनिंग करवा लेती हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से जो है सोच भी रही थी कि करवा लूँ, लेकिन हो ही नहीं पा रहे थे। तो अभी जो है पैसे मतलब पापा जी ने तो सूट के लिए दिए, लेकिन मैं जो अब बाल करवा रही हूँ आज अपने। तो गाइज दोपहर के 12:30 होने वाले हैं बस, और जो दीदी है वो मैंने घर पे ही बुलाई है बाल करवाने के लिए, क्योंकि गाइज बच्चे छोटे फिर इनको लेके कहाँ जाते हैं, और ये इतनी देर रुकते भी नहीं घर पे। तो मैंने सोचा मैं घर पे ही बुला लेती हूँ, क्योंकि गाइज पहले भी ना वो दीदी ने जो है, जैसे कि हमारी दीदी है जो जेठानी है, और जो आप ब्लॉग में भी देखते हो स्वीटी दीदी सिमो दीदी, मतलब बहुत काफ़ी मतलब यहाँ पे जो है ज़्यादातर वो ही आती है, तो उनके मुझे जो है स्मूथनिंग अच्छी लगी है। तो गए, लेकिन पता नहीं रूबीता शायद मुश्किल करवाएगी, क्योंकि उसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, उसको खांसी जुकाम हो रही है। और गाइज सर जो कई बार धोना पड़ेगा इसमें, एक बार तो गाइज मैंने अभी अपना सर धो लिया है, वॉश कर लिए अपने बाल, क्योंकि जो ऑयल थोड़ा बहुत भी रहता है ताकि वो निकल जाए सिर में से और अच्छे से हो पाए। तो मैंने वॉश कर लिए अपने बाल, बस वो आने वाली है घर पे। तो गाइज शायद रूबी तो मुश्किल करवाएगी अभी, वो बाद में करवाएगी जब उसकी थोड़ी तबीयत ठीक हो जाएगी, तो मैं आज ही करवा रही हूँ। तो बस वो आने वाली है गाइज, और आप मतलब व्लॉग जो है मेरे बहुत कम आ रहे हैं, जागरण का व्लॉग डाला था लास्ट व्लॉग, तो आज भी मैंने सोचा, क्योंकि गाइज एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे मुँह में जो है छाले निकल रहे हैं अभी भी जो है हल्के, एक दो तो है ही दर्द हो रहा है उसकी वजह से। तो गाइज फिर भी मैंने सोचा कि भाई, क्योंकि गाइज ये है कि चाहे मेरे व्लॉग अभी चल नहीं रहे, लेकिन कोई नहीं एक दिन चलेंगे, लेकिन गाइज इससे ना एक मेमोरी बन जाती है कि हम अपनी कोई भी बातें कुछ भी चीज़ें, जैसे कि अभी तो मुझे 2 साल हो गए हैं व्लॉग बनाते बनाते, तो गाइज 2 साल हो गए गाइज दिन भी ऐसे ही निकल जाते हैं, तो गाइज 2 साल हो गए व्लॉग बनाते बनाते। लेकिन यही है कि कुछ भी बातें रहती है तो हम उनको कभी भी जैसे कि दिल करता है तो निकाल के देखने लग जाते हैं वो व्लॉग, जैसे कुछ भी बातें हैं। तो गाइज यही है, फर्स्ट टाइम मैं स्मूथनिंग करवाने वाली हूँ, तो मैंने सोचा आज मैं व्लॉग जो है स्टार्ट कर देती हूँ, तो इसलिए मैंने व्लॉग बनाना शुरू कर दिया है। और गाइज काम तो हो गया, गाइज आपको आवाज़ आ रही होगी, कोई बेक कुछ बेक रहा है, बेकने वाला आया है बाहर। तो गाइज काम तो हमारा सारा हो गया है, और बस अब तो दीदी का इंतज़ार है, वो आ जाएंगी करने के लिए, देखते कितना टाइम लगेगा, तो फिर करवाते गाइज हम घर पे ही, तो देखते हैं गाइज कितना टाइम लगता है, क्योंकि मुझे तो पता भी नहीं है। वैसे तो जब हमारी दीदी ने करवाई थी, दोनों दीदियों ने, दी स्वीटी दी सिमरन ने, तो वो घर पे ही आई थी, तो गाइज वो थोड़ा टाइम लगा था, क्योंकि उन्होंने दोनों ने एक साथ ही करवाई थी। और अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है, क्योंकि गाइज बच्चे भी हैं, आज हर्षू भी घर पे है, क्योंकि उसके पेपर चल रहे, तो एक दिन छुट्टी एक दिन पेपर रहता है, तो आज हर्षू और मतलब अभी तो आरब भी आ गया है, आरब गया था आज, उसका पेपर था, लेकिन 10:30 बजे छुट्टी हो जाती है पेपर की, तो सारे बच्चे घर पे है, सिर्फ परी स्कूल है वो भी आ जाएगी 1:30 बजे, एक घंटा रह रहा है उसका भी, तो फिर बहुत परेशान कर देंगे, तो देखते हैं। लेकिन फिर भी आज तो गाइज करवानी है ही, तो देखते हैं कैसे बाल लगते हैं, क्योंकि गाइज यही है ना स्मूथनिंग करवा के अपना
कहीं भी जाते हैं, क्योंकि अभी तो मैंने जागरण में आपने पता नहीं ध्यान दिया या नहीं, मैंने प्रेस करी थी अपने बालों पे, क्योंकि गाइज मैं ना ज़्यादातर जूड़ाई बना के रहती हूँ। तो सो गाइज दीदी आ चुकी है, मतलब बहुत एक घंटा हो गया आए हुए, और अभी मैं करवा रही हूँ। गाइज मैंने आपसे बोला था कि रूबी नहीं करवाएगी, उसकी तबीयत खराब है, लेकिन अभी ये भी करवा रही है इसके। हाँ तो अभी गाइज मैं करवा रही हूँ। एक बार तो दीदी लगा दिया ना, एक बार तो दीदी हमारा दीदी बहुत सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइबर बढ़ा। अच्छा तो देखते हैं गाइस कितना टाइम और लगता है। एक घंटा हो गया है, 1 बजे लगे थे, 2 बज रहे हैं अभी, तो भी देखते हैं कितना टाइम लगता है इसके और मेरे दोनों के। देखते हैं, दो चुटिया बन गई आज, दो चुटिया बन गई दीदी का तो हाथ में फूंक दिया। वादी नौ दीदी फेस कर रही है, मैं एक दो चल के पड़ी हूँ। अब हमें समझ में नहीं आ रही ना। हाँ, आपकी लैंग्वेज हमें समझ नहीं आ रही, लेकिन जो आपकी वो देखेंगे जैसे जो समझ सकते हैं वो समझ जाएंगे भाई आप क्या बोल रहे हो क्या नहीं। आज मेरी फर्स्ट टाइम स्मूथिंग हो रही है दीदी बालों की, मेरी भी इसकी भी बहुत बढ़िया है। मत भी खेलो, बैठ के खेलो एक साथ, बैठ के खा लो। सो गाइस फाइनली हो चुके हैं हमारे बाल, तो वो जो दीदी है अभी अभी गई है। गाइस शाम के बज रहे हैं 4:15 और हम अब फ्री हो चुके हैं, मतलब बाल हो गए हमारे। तो गाइस मैं अपना रूम सुंगा लेती हूँ, क्योंकि जब से जो है जैसे बाल वाल हो रहे हैं यहाँ पे सारे में, तो मैं रूम साफ़ कर देती हूँ। और रूबी बना रही है अभी चाय, क्योंकि शाम की चाय का टाइम हो गया है, तो वो चाय बना रही है। और गाइस 3 दिन अब बहुत परेशानी होने वाली है, क्योंकि ये बाल ऐसे ही रखने हैं, मतलब ना बांधने हैं ना ऐसे पीछे करने हैं, बाल सिर्फ ऐसे ही रखने हैं। तो गाइस सबसे ज़्यादा तो काम किया है, काम कैसे होगा, लेकिन देखते हैं। फिर भी अब तो हो चुके हैं बाल ऐसे, तो मैनेज करना पड़ेगा ऐसे ही। तो गाइस रूबी चाय बना लेती है, और गाइस आज ना क्योंकि काम तो मतलब सुबह ही हो गया था, लेकिन फिर भी बैठे बैठे और अभी ऐसे नींद आ रही मुझे तो सच में बहुत तेज, लेकिन अभी शाम के काम का टाइम हो चुका है, तो पहले अपना रूम साफ़ कर लेते हैं और उसके बाद जो है फिर देखते हैं। खाने का टाइम हो जाएगा, इतनी सब्जी वब्जी आ जाएगी तो वो बनाऊँगी। तो गाइज लेकिन ना बहुत अच्छा लग रहा है, सच में ऐसे लग रहा है बहुत हल्के हल्के बाल, जैसे कि मतलब बहुत सॉफ्ट से बाल, क्योंकि गाइज उनके जो है क्रीम व्रीम होती है उससे लगाते हैं, तो बहुत सॉफ्ट बाल हो गए अभी। लेकिन अभी जो है मतलब ना कल सर वॉश करना है, परसों वॉश करना है सर, और उसके बाद ही जो है हम क्लेचर छल्ला वो कुछ भी ये डाल सकते हैं। तो गाइज मुझे नींद आ रही बस यही, तो मतलब फाइनली गाइज अभी हम अपना जो है रूम वूम साफ कर लेते हैं और उसके बाद मिलते हैं आपसे। सो गाइज अभी मैं बना रही हूँ दाल और चावल बना दिए, आटा लगाऊंगी अभी, आटा नहीं लगा है गाइज आज अभी, तो दाल चावल बन रहे हैं, और जो रोटी खाएंगे उनके लिए बनेंगी रोटी। तो गाइज बाल हमने करवा लिए, लेकिन परेशान हो रहे हैं अभी तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि काम नहीं करा जा रहा है इनसे बिल्कुल भी खोल के, तो अभी जो है बस कल का लॉन निकल जाएगा इस, परसों वॉश हो जाएगा सर, उसके बाद तो जो है फिर हम इनमें छल्ला डालेंगे, फिर इतनी परेशानी नहीं होगी, लेकिन अभी 2 दिन तो बहुत ही ज़्यादा परेशान कर जाएंगे। तो वो भी बर्तन साफ करेगी अब, अभी तो वो मेरी वीडियो बना रही है और उसकी आवाज़ आ रहा है। तो गाइस ये बना लेते हैं, और बच्चे गए हैं ट्यूशन, अब भी आने वाले हैं वो बस। तो बस गाइज आज का ब्लॉग इतना ही बनाऊंगी, क्योंकि अब इसको बना लूँ फिर आटा लगा के रखूँगी, जब कोई रोटी खाएगी उसके लिए रोटी बनाऊँगी, तो ये सारा काम चलता रहेगा आज। तो गाइज अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।